पेट्रोल पंप पर बड़ा हादसा हो गया। यहाँ के आदर्श नगर स्थित एक पेट्रोल पंप पर शुक्रवार शाम धमाके के साथ आग लग गई। ANI के मुताबिक इस हादसे में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। DM ने इस घटना की जाँच के आदेश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक हादसा शाम के समय उस वक्त हुआ जब पेट्रोल पंप परिसर में बने LPG टैंक को CNG में बदले जाने की प्रक्रिया चल रही थी। बताया जा रहा है कि टैंक में कुछ LPG गैस बकाया थी। टैंक को साफ करने के लिए जनरेटर लगाया गया था और इसी बीच अचानक जनरेटर में आग लग गई और ब्लास्ट हो गया। आग भड़कने से वहां रखे ट्रक का ड्राइवर भी झुलस गया, जबकि पेट्रोल पंप मालिक सुरेंद्र दुआ, बेटा जतिन दुआ, भारत पेट्रोलियम के अधिकारी समेत 9 लोग झुलस गए। सभी को हादसे के फौरन बाद अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस हादसे के बाद जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। जिलाधिकारी ने इस हादसे की जाँच के लिए एक टीम का गठन कर रिपोर्ट मांगी है। हादसे में ट्रक ड्राइवर शब्बीर अजमेर, पेट्रोल पंप मालिक सुरेंद्र दुआ, जतन दुआ, इस्माइल खान मोहम्मद, ताबिश रवि कुमार, इकबाल खान, लतेश, अशोक, सौरभ जैन झुलस गए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि इस घटना को लेकर ADM नेतृत्व में जांच टीम गठित की है। अगर इसमें लापरवाही बरतने की बात सामने आती है तो कार्रवाई होगी।